नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, धान की पराली या किसी भी फसल का अवशेष जो है वो मिट्टी में मिलाने से मिट्टी का वह भोजन बनता है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बन की जो मात्रा है इससे जो है मिट्टी में बढ़ता है। इसलिए धान की पराली या किसी भी फसल के अवशेष को जलाना नहीं चाहिए। ये हम अपने धान की फसल की पराली को नहीं जलाए हैं, जबकि ये देखिए दूसरे किसान जो हैं पूरे अपने धान की फसल में जो पराली था उसको जला चुके हैं। धान की पराली को जला देने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पौधों को जड़ों के माध्यम से लाभ पहुँचाते हैं, जड़ों के माध्यम से उसको पोषण देते हैं, वे बैक्टीरिया पराली को जला देने से मर जाते हैं। इसलिए पराली को जलाना नहीं चाहिए। साथ ही जैविक खेती यदि करते हैं तो अपने खेतों में इस तरह के नीम के पेड़, अपने खेतों में अवश्य रखें। नीम का पेड़, इसके पौधे, पत्ते एवं फल, ये सभी जैविक कीटनाशक बनाने में काम आता है। साथ ही इसके पत्ते जो हैं एनी टाइम झड़ कर खेतों में नीचे आते रहते हैं और जो कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथ ही इन्हीं पेड़ों की छांव के नीचे वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, वो इन पेड़ों के नीचे छांव में आकर अपना जीवन यापन करते हैं जब तक दूसरा फसल नहीं लगा हुआ है। इसलिए जैविक खेती में पेड़ का होना भी बहुत ही आवश्यक है। इस समय नीम के पेड़ में फल लगे हुए हैं और फल जो है पककर ये देखिए खेत में झड़ रहे हैं और इससे जो है खेतों में फसल में जड़ काटने वाले कीड़े नहीं लगते हैं। ये हम गोबर की खाद को यहाँ पर लाकर रखे हुए हैं खेत में और इसको हम धान की बुआई के समय खेत में डालेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप भी पराली को खेत में ही, फसल के अवशेष को खेत में ही जुताई करके मिला लें, उसको जलाएं नहीं। साथ ही कुछ पेड़ के खेत मेड़ों पर पेड़ लगाएं, जिससे जैविक खेती जो है सफल हो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।